तो हाँ जी, क्या हालचाल। तो भाई IQ रेडी अपने Z9 को लॉन्च करने के लिए। अब कल रात ही ये इसका डिटेल सामने आया हुआ है, इसकी लीक सामने आई है, क्या क्या चांसेस इसकी स्पेक्स निकल सामने आई, क्या क्या हो सकती है। अभी अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स मान के चलिएगा, कंफर्म मत मान लीजिएगा। और इसके ना रेंडर इमेज भी सामने आई है कि दिखने में कैसा होने वाला है। लेकिन जहां तक अभी आप देखेंगे आगे ना, मैं दिखाऊंगा आपको आगे, मुझे ना देख के सब सीन लग रहा है कि क्यों ये इंडिया में ना IQ Neo 9 के साथ लॉन्च किया जा सकता है। खैर, ये कब लॉन्च होगा बताया जा रहा है कि Q2 में ये लॉन्च किया जाएगा चाइना में, जो कि अप्रैल मई के बीच में लॉन्च किया जाता है। उसके बाद ही ये चांसेस है कि इंडिया में लॉन्च होगा। लेकिन मुझे जहां तक ज़्यादा चांसेस लग रहा है कि IQ Neo 9 के साथ ही ये इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। खैर, इंडियन लॉन्च की अवेलेबिलिटी बारे पता चलेगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। सबसे पहले X में अपडेट करता हूं, जाकर फॉलो कर लीजिएगा। खैर, चलिए देखते हैं क्या खास होने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे यहाँ बेनिफिट मिल जाती है। खैर, मैं हूँ आपका दोस्त रोशन हूँ, आप खुद का चैनल टेक्नोनोप, क्योंकि आप हैं तभी मैं हूं। तो चलिए देखते हैं कि IQ Z9 में क्या खास होने वाला है, मतलब जो लीक्स रूमर्स बताया जा रहा है उस हिसाब से देखते हैं कैसा और दिखने में कैसा होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की। तो देखिए, यहां बताया गया है अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स ये प्लास्टिक बिल्ड के साथ देखने को मिलेगा। जी हां, प्लास्टिक का बैक होगा, प्लास्टिक फ्रेम होगा, ग्लास फ्रंट देखने को मिलने वाला है। लेकिन फ्रंट में किस चीज का प्रोटेक्शन है बताया जा रहा है कि शॉर्ट सस्पेंशन ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है। लेकिन फोन का वेट बताया जा रहा है 200 ग्राम्स और थिकनेस 8 mm, साथ ही आपको IP54 की रेटिंग भी देखने को मिल जाएगी। ऐसा भी अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स है, ऊपर नीचे हो सकता है वेट और थिकनेस में, लेकिन देखा जाए ठीक है तो सब वेट तो जरूर होगा। लेकिन चलिए दिखने में कैसा होने वाला है, चलिए बात करते हैं डिजाइन की। तो जैसा रेंडर सामने आया, इसका इमेज रेंडर इमेज सामने आया, उसको देख के यही लगता है जो देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पर, बैक साइड पर टॉप पर डुअल कैमरा की हाउसिंग LED फेस के साथ नीचे IQ की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बॉडी टू रेशियो बताया जा रही है 90-91% के आसपास देखने को मिलेगा। देखते चीन पतली सी होगी और वेजर्स भी पतला सा देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि थोड़ा सा आपको चीन देखने को मिलने की उम्मीद है यहां पर। खैर, जब आएगा पता चल जाएगा। लेकिन कलर्स की बात करें तो फिलहाल दो ही कलर्स बताया जा रहा है, ब्लैक ब्लू, कलर्स दो ही है, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि कंटेंट कंज्यूम करने के लिए डिस्प्ले कैसी होने वाली है। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले की। और जिस हिसाब से इसका लीक्स रूमर सामने आया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो लिटरली भाई साहब शानदार तो है, क्योंकि देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 6.67 इंच की 1.5K 10-bit का OLED पैनल, 2800x1260 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 22:1 का स्पेक रेशियो, 407 PPI की पिक्सल डेंसिटी, 1500 nits की पिक ब्राइटनेस, 144Hz की रिफ्रेश रेट, 3000Hz की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+ वाइड वाइन L1। तो देखिए जाए भाई साहब, लिटरली डिस्प्ले तो शानदार, अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स 1.5K का डिस्प्ले, 10 bits का कलर आपको अच्छे मिलेंगे, ब्राइटनेस शानदार, इन दो डायोड की विजिबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, सोशल मीडिया पेज स्क्रॉल करते गेमिंग करते स्मूथनेस भी नजर आने वाली है। हां, कंटेंट का जूम करेंगे तो नेटफ्लिक्स को साइड छोड़ दीजिए, Amazon YouTube दोनों में ही आप HDR कंटेंट रख करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं उनके लिए जब पूछेंगे ना कि परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है, कौन सा प्रोसेसर मिलेगा, तो चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स बताया जा रहा है कि इस फोन को शक्ति देगा MediaTek की तरफ से Dimensity 8300 प्रोसेसर। प्रोसेसर दमदार है भाई साहब, कोई खराब नहीं है, 4 nm के फैब्रिकेशन बनाया गया है, एनर्जी इफिशियंसी अच्छी रहती है, हीटिंग उसे काफी कम देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि वेपर चैम्बर कूलिंग का भी सपोर्ट यहां आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कि हीट वीट के चांसेस बहुत ही कम होंगे। चलिए नजर डालते हैं इसके रॉ सीपीयू की तरफ, कितना पावरफुल है। तो यहां आपको मिलेगा 4 Cortex A715 जो कि 3.35 GHz क्लॉक किया गया, वहीं 4 Cortex A510 जो कि 2.20 GHz तक क्लॉक किया गया। तो परफॉर्मेंस तो शानदार है, कोई भी खराब नहीं है, जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलेगा। अब यहां पर गेमिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि 60fps गेमिंग आराम से कर सकते हैं। यहां मिलेगा Armali G615MP6 GPU, साथ ही LPDDR5X RAM, UFS 4.0 वाली स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो रीड राइट की सबको अच्छी मिलने वाली है, 5G बैंड आपको अच्छी मिलेगी। ऑन रिसोर्स की बात करें तो 15 लाख के ऊपर देखने को मिला, 14-15 लाख देखने को मिल जाता है, यानी 14-15 लाख के अंदर देखने को मिलता है। तो गेमिंग शानदार है, परफॉर्मेंस आपको शानदार देखने को मिलने वाली है, अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स कंफर्म हो तो भाई जबरदस्त होने वाली है। अब सवाल है, इतना तो सब कुछ सही है, कैमरा कैसा होने वाला है, चलिए बात करते हैं कैमरा की। सब कुछ तो ठीक है भाई, यहाँ कैमरा में ही भाई साहब कंजूसी की गई। जी हाँ, डुअल कैमरा मिलेगा आपको, लेकिन पहला जो होने वाला वो होगा 64 MP का मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ, ओमनीविजन OV64B सेंसर, और वहीं यूजलेस 2 MP का मैक्रो सेंसर देखने को मिलने वाला है, जहां रियर से 4K 30fps और 1080-240fps रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन मेन सेंसर का ही काम आने वाला है, अभी लीक्स रूमर्स है, सेंसर बताया जाए कि यही मिलेगा तो ठीक है, कोई खराबी नहीं है। लेकिन फ्रंट में आपको मिलेगा 16 MP का सेल्फी कैमरा जो कि 1080-30fps रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि खूबसूरत
चेहरे को कैप्चर करने के लिए रील शॉर्ट्स आप कर सकते हैं। तो देखा जाए कैमरा आपको डिसेंट मिलने वाला है, ऐसा कुछ ज्यादा खराब भी नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन इस फोन को जान फूकने के लिए कितना एमएच की बैटरी मिलेगी, तो चलिए बात कर लेते हैं बैटरी की। अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स बताया जा रहा है कि इस डिवाइस को जान फूकने के लिए दिया गया है 5160 एमएच की बैटरी, 120 वाट की चार्जिंग सपोर्ट, चार्जर बॉक्स हमको मिलेगा, बैकअप शानदार निकलने देखने को मिलेगा। कंपनी 5200 एमएच की बताएगी कि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करने वाली है, ऐसे कुछ मिलता है तो देखते हैं कितना सच है कितना झूठ है भाई, जितना कन्फर्मेशन होता है, लेकिन देखा जाए बैकअप शानदार निकलेगा। अब बात करते हैं सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की। तो बताया जा रहा है कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा, सेंसर में सारे सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, पॉक्सिन फ्रंट डिंगा चेटर पुटर, यूएसबी टाइप सी पोर्ट, डुअल स्टोरेज स्पीकर भी देखने को मिल सकता है, ऐसा चांसेस बहुत ही कम है, सिंगल स्पीकर ही मिलेगा। हाँ, 3.5 mm ऑडियो जेको हाइब्रिड का सोचने को मिलेगा, तो ये चीज ऑप्शन दिए गए हैं तो ठीक है, कोई खराब नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। बात क्या सॉफ्टवेयर की, तो भाई यहाँ पर लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ ओरिजिन ओएस देखने को मिलेगा, जो कि चाइना में, इंडिया में आएगा तो फंटच ओएस 14 से देखने को मिल जाएगा, जो कि ब्लॉडवेल होंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं इसके वेरिएंट्स की। तो यहाँ फिलहाल 3 वेरिएंट्स का अपडेट देखने को मिलने वाला बताया जा रहा है। पहला होगा 8+256, 12+256 और 12+512। ऑप्शंस अच्छे अब अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स है, लेकिन अब सारे तो रूमर्स हैं, लेकिन सवाल ना प्राइस क्या होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, 150 टारगेट है, पहुंचाइए, शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड के साथ, क्योंकि एक थोड़ा सा हेल्प मुझे मिल जाता है। और चैनल पर है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि कई लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, मैंने देखा नोटिस किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे बेनिफिट मिल जाती है। खैर चलिए बात करते हैं प्राइस की। तो देखिए अभी प्राइस तो सामने, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स है, उस हिसाब से तो अभी प्राइस का प्रिडिक्शन करना बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। तो भाई मैं आपको छोड़ता हूँ, आपके हिसाब से जैसा भी लीक्स रूमर्स आया है उस हिसाब से प्राइस क्या होनी चाहिए, आप किस प्राइस पॉइंट देखना पसंद करेंगे और किस नाम से इंडिया में आ सकता है। क्योंकि मुझे तो भाई IQ Neo 9 ही लग रही है कि जो इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है बताएं कमेंट सेक्शन पे, और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट्स आपके ना मुझे मोटिवेशन मिल जाता है, तो YouTube के एल्गोरिथम को लगता है व्यूज में हेल्प हो जाते हैं और क्या। तो भाई को सपोर्ट करिए, प्यार बरसाइए, कमेंट ऑफ द डे देख कर जाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Ooh.